नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में बिल्लू की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बिल्लू और गर्मी की छुट्टियाँ। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है छुट्टी के दिन। बिल्लू आओ क्रिकेट खेलने चलें। दोस्तों, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, पर मेरे मम्मी पापा मुझे जाने की इजाज़त नहीं देंगे, मुझे चुपके से खिसकना होगा। बेटे, आज छुट्टी का दिन है, हम घर की सफाई कर रहे हैं, तुम अपने पापा की जाले उतारने में मदद करो। मम्मी, अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्यों? आज मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलने दूंगी, मेरे उंगली में चोट लगी है, मैं जाला उतारने का बांस कैसे पकड़ सकता हूँ। कहाँ जा रहे हो? क्रिकेट खेलने। जब तुम जाले उतारने का बांस नहीं पकड़ सकते, तो क्रिकेट का बैट कैसे पकड़ोगे? मम्मी, मैं अंपायर बनूंगा, वो सिर्फ खेल देखता है, कुछ देर में मेरी उंगली ठीक हो जाएगी, मैं घर आकर काम में तुम्हारी मदद करूंगा। गब्दू, मोनू, विष्णु आओ, आज मौसम अच्छा है, क्रिकेट खेलने में आनंद आएगा। पहले ओवर की पहली गेंद, सटाक, छक्का। बस गब्दू, ये तुम्हारा आखिरी स्कोर है। क्यों? मैं अभी आउट नहीं हुआ, अभी तो मुझे सेंचुरी बनानी है। गेंद उस मकान की छत पर जा गिरी है, हम मकान मालिक से प्रार्थना करेंगे और गेंद ले आएंगे, लेकिन मकान मालिक घर पर है ही नहीं, दरवाजे पर ताला लगा है, गेंद कैसे लाओगे? खेल खत्म। गब्दू, तुम्हें छक्का मारने की क्या ज़रूरत थी? क्या तुम 3-3 रनों का 2 किस्तों में छक्का नहीं बना सकते थे? रुको, मैं इस बरसाती पाइप से ऊपर चढ़कर गेंद ले आता हूँ, गेंद आते ही खेल दोबारा शुरू हो जाएगा। वो रही हमारी बॉल। ओह, बंदर गेंद की तरफ लपका, सत्यानाश, वो हमारी गेंद ले गया। वो गेंद लेकर दूसरे मकान पर कूद गया, मुझे नीचे जाकर साथियों को बताना चाहिए। दोस्तों, गेंद बंदर ले गया, वो उसके हाथ में है, कोई तरकीब लगाओ कि वो गेंद नीचे फेंक दे, उसे नीचे बुलाओ, वो नहीं आएगा। कहते हैं बंदर नकलची होता है, अगर मैं उसे पत्थर फेंक कर मारूं तो वो मुझे गेंद फेंक कर मारेगा, गेंद हमारे पास आ जाएगी। कड़ाक, ओह, पत्थर चुक गया। तुमने हमारे खिड़की का शीशा तोड़ा। धड़ाक, बड़ाक। मोना, मैं जाले उतारता हुआ थक गया हूँ। फिक्र ना करो, बिल्लू वापस घर आ रहा है, उसने कहा था कि वो लौटकर काम में हाथ बटाएगा। अब छुट्टियों भर घर का काम ना करने का तुमने ये बहाना बनाया है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है म्यूजिक चैनल। बिल्लू रुको, तुमने कहा था कि स्कूल के बाद क्रिकेट खेलने चलोगे। गब्दू, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, याद आया कि आज टीवी पर स्पेशल पॉप म्यूजिक का प्रोग्राम आने वाला है। बेटा, स्कूल से आ गए, हम बाजार जा रहे हैं, कुछ देर बाद लौटेंगे। ये अच्छा हुआ, घर में अकेला रहकर म्यूजिक का ज़्यादा आनंद लूँगा, टीवी ऑन करनी चाहिए। वाह, टन, ये शोर डिस्टर्ब कर रहा है। टन, पड़ोस का कमबख्त बंटी घुस आया है और वो थाली पीट कर आवाज़ कर रहा है, मैं उसे सबक सिखाता हूँ। मेरे कान, आऊं आऊं। अगर वो रोता हुआ अपने घर गया तो उसकी माँ शिकायत लेकर आएगी। बंटी, लो चॉकलेट और चुप हो जाओ। शुक्र है मैंने उसे बहलाकर रुखसत किया, अब मैं चैन से म्यूजिक का मजा ले सकता हूँ। काँ काँ, रोशनदान में कौवा आ गया। जाओ मुझे म्यूजिक सुनने दो। धड़ाक, अब मैं फिर म्यूजिक का आनंद ले सकता हूँ। काँ 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 काँ, शांति हो गई, लगता है कौवे चले गए हैं, म्यूजिक का शो खत्म। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बजरंगी का फोटो। एक अखबार देना, ये लो पहलवान। बजरंगी, हम दोनों अनपढ़ हैं, फिर तुमने अखबार क्यों खरीदा?
ढक्कन, हम अखबार में फोटो तो देख सकते हैं। कल मैंने ऑल इंडिया कुश्तियों में गोल्ड मेडल जीता था। देखो, मेरा फोटो अखबार में छपा है। अरे हाँ, तुम सच कह रहे हो। ये फोटो मैं सब लोगों को दिखाऊंगा ताकि वे जाने कि मैं मामूली आदमी नहीं बल्कि देश का सर्वश्रेष्ठ पहलवान हूँ। जनाब, रुकिए, क्या आपने आज का दैनिक ढोल ड्रम देखा? इसमें मेरा फोटो छपा है। भागो बाबूजी, दैनिक ढोल ड्रम देखिए, इसमें मेरी फोटो छपी है ना, हूबहू मेरी तस्वीर। जेबें बचानी है तो भागो। बिल्लू, अखबार में मेरी तस्वीर छपी है, देखना इसमें ऐसी क्या बात है कि लोग इसे देखते ही भाग खड़े होते हैं। गलती तस्वीर में नहीं, उसके नीचे छपे विषय में है। तुम्हारे तस्वीर के नीचे लिखा है कि ये व्यक्ति पॉकेट मार है, इससे दूर रहो, तुम अनपढ़ होने के कारण इसे पढ़ नहीं सके, ये मेरी बेइज्जती है। मैं दैनिक ढोल ड्रम के संपादक की खोपड़ी तोड़ने जाता हूँ, यही है अखबार का दफ्तर। आओ पहलवान, अखबार में जो तुम्हारा फोटो छपा है, क्या उसके लिए धन्यवाद देने आए हो? छछुंदर, फोटो के नीचे क्या लिखा है वो पढ़ो। ओह, गलती हो गई। दरअसल भूल से जो मैटर तुम्हारी फोटो के साथ लगना चाहिए था वो जेब कतरे की फोटो के साथ लग गया और उसका मैटर तुम्हारी फोटो के साथ लग गया। कल के अखबार में मैं दोबारा तुम्हारा फोटो छापूंगा, भूल के लिए क्षमा चाहता हूँ। दूसरे दिन एक दैनिक ढोल ड्रम देना, संपादक ने मेरा फोटो दोबारा छापा है। डंडे के डर से सारे काम हो जाते हैं। श्रीमान, देखिए मेरा फोटो अखबार में छपा है ना मेरी तस्वीर। बचाओ। बिल्लू, मेरा फोटो आज फिर अखबार में छपा है पर लोग उसे देखते ही डर कर भाग खड़े होते हैं। दोबारा गलती हो गई, इस बार मरे हुए लोगों के कॉलम में तुम्हारा फोटो छप गया। लोग जब तुम्हें देखते हैं तो भूत समझकर भाग खड़े होते हैं। बजरंगी कहाँ चल दिए? उस संपादक को नरक पहुंचाने। वो संपादक, उसे जब अखबार में छपी गलती का एहसास हुआ तो तुम्हारे पहुंचने से पहले ही वो नौकरी छोड़कर भाग गया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है दोस्त। माफ करना आंटी, अनजाने में तुमसे टकरा गया। ओह, धड़ाक। ओह, मैंने माफी मांग ली थी, फिर तुमने क्यों मारा? वो इसलिए कि तुमने मुझे आंटी कहा, मेरी उम्र 13 साल है। वो तो मेरी तंदुरुस्ती इतनी अच्छी है कि मैं अपनी उम्र से भी बड़ी लगती हूँ। जो मुझे आंटी कहता है वो मेरा दुश्मन है, नहीं मैं दोस्त हूँ। तो फिर छोड़ दिया, मेरा नाम गुलबुल है, आज से हम दोनों दोस्त हुए। लेकिन याद रहे, तुम किसी और लड़की से दोस्ती नहीं करोगे और मैं किसी दूसरे लड़के से मित्रता नहीं करूंगी। दोस्त, अब जाओ और सामने से मेरे लिए एक सॉफ्टी लाओ। लाता हूँ गुलबुल। थोड़ी दूर, बेटी जो जी, चूहेदानी में चूहा फंस गया है, इसे कहीं दूर छोड़ आओ। डैडी, ये चूहा मेरे कपड़े कुतर गया था, इसे ऐसे जगह छोड़ना जहाँ से ये वापस ना आ सके। अब बेफिक्र रहो डैडी, एक सॉफ्टी देना। बिल्लू दोस्त, क्या ये सॉफ्टी मेरे लिए खरीदी है? प्रीति, मुझसे दूर रहो। तुम मेरे कैसे बॉयफ्रेंड हो जो मुझे दूर रहने की कहते हो? तुमने सॉफ्टी नहीं खिलानी तो ना खिलाओ, मगर मुझसे दोस्ती तो ना तोड़ो। प्रीति, दरअसल सामने वो जो मोटी गुलबुल खड़ी है ना, उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं किसी दूसरी लड़की से दोस्ती करूंगा तो वो मेरे हाथ पैर तोड़ देगी। अगर ऐसी बात है तो मैं जाती हूँ, डरपोक कहीं का। बिल्लू, क्या तुम मेरे साथ ये चूहा छोड़ने चलोगे? जो जी, मेरे पास ना आओ। क्यों? उस मोटे गुलबुल ने अगर मुझे तुमसे बातें करते देख लिया तो वो मेरी पिटाई कर देगी, मगर मैं उससे नहीं डरती। आओ मेरे साथ। लड़की, तुमने मेरा बॉयफ्रेंड छीना और मेरी सॉफ्टी खाई, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी, जाओ। बचाओ। अब वो किसी पर धौंस नहीं जमाएगी। तो चलिए इसकी अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पोस्टरबाजी। बिल्लू, कहाँ जा रहे हो? मौसी, काम की तलाश में। सोचा गर्मी की छुट्टियों में कुछ काम करके पैसे कमा लूँ।
नेता बंडलबाज चुनाव लड़ रहा है, उसके पास काम मिल जाएगा, मैं उसके पास जाता हूँ। नेता बंडलबाज जी, क्या इलेक्शन का कुछ काम मिलेगा? क्यों नहीं, मेरे पोस्टर चिपकाओ, 50 पैसे प्रति पोस्टर मिलेगा, मंजूर है। पोस्टर ऐसी जगह लगाना जहाँ पब्लिक की निगाह पड़े। आप बेफिक्र रहें, इस दीवार पर तो पहले से बेशुमार पोस्टर चिपके हैं, नए के लिए जगह है ही नहीं। आहा, ये दीवार बिल्कुल साफ है, यहाँ लगा पोस्टर कितना अच्छा लगेगा। यहाँ सबकी निगाह इस पर पड़ेगी। क्या ये पोस्टर तुमने यहाँ लगाया है? आप इस मकान का मालिक? पोस्टर लगाना मना है। तुमने वो बोर्ड नहीं देखा? तुम्हें सजा मिलेगी। धड़ाक बड़ाक। नेताजी, लोगों को पोस्टर लगाने पर एतराज है, कोई बात नहीं, हम तुम्हें दूसरा काम देते हैं। हम तुम्हें पोस्टर उतारने का 1 रुपया प्रति पोस्टर देंगे। कमाल है, पोस्टर चिपकाने का रेट 50 पैसे और उतारने का 1 रुपये। इलेक्शन में खड़े मेरे विरोधी उम्मीदवारों के पोस्टर उतारोगे तो उससे भी मेरा फायदा होगा। समझ गया, आपके विरोधियों के शहर में जितने भी पोस्टर लगे हैं सब उतार देता हूँ। आहा, इस मकान में बहुत सारे पोस्टर लगे हैं, यहाँ से शुरुआत की जाए? ओह, इसे दम लगाकर खींचना पड़ेगा। और धर, इन पोस्टरों के सहारे ही तो दीवार टिकी थी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है 7 साथ। जो जी आओ, कहीं बैठकर गपशप करें। ठीक है बिल्लू, मगर कहाँ जाएंगे? किसी ए ग्रेड रेस्तरा में, वहाँ बैठकर खाएंगे पिएंगे और कुछ देर साथ साथ बिताएंगे। मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है, दरबान सैल्यूट मारता है तो लगता है हम भी कुछ हैं, घर में हमेशा डांट फटकार पड़ती रहती है। बिल्लू, आज तुमने जो प्रोग्राम बनाया उससे कुछ समय साथ साथ अच्छा बीतेगा। मैं मेनू देखता हूँ। एस्प्रेसो कॉफ़ी 12 रुपये, कटलेट्स 15, आमलेट 10, बर्गर 8 रुपये। ये रेस्तरा महंगा है, मेरे जेब में इतने पैसे नहीं है कि मैं बिल चुका सकूँगा। जो जी आओ, किसी दूसरे रेस्तरा में चलते हैं, यहाँ कुछ तो पी लेते। तुमने कोल्ड ड्रिंक पी तो लिया? कोल्ड ड्रिंक? हाँ, ठंडा पानी। मैं तुम्हें ओपन एयर रेस्तरा ले चलता हूँ। वो कैसा होता है? जैसा ओपन एयर थिएटर होता है वैसा ही होता है। 2 कड़क चाय देना। ढाबा? यहाँ फुटपाथ पर बैठकर हम चाय पियेंगे और गप्पे मारेंगे, यहाँ जो मज़ा है वो 5-स्टार होटल में भी नहीं है। मेरे चाय में मक्खी? चाय में मक्खी है, 1 रुपये में और क्या, हाथी लोगे? निराश ना हो बिल्लू, मेरी चाय को हम दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। और तभी छी, ओह, मेरी छींक से सारी चाय गिर गई। आओ हम जलजीरा पानी पीते हैं, वो सस्ता और चटपटा होता है, 2 गिलास जलजीरा देना। आखिर हमें कुछ ना कुछ पीने को मिल ही गया, कितनी खुशी की बात है। रुको, संभालो अपना रुपये का सिक्का, ये खोटा है, जलजीरे के गिलास वापस करो। जो जी घर चलें, वहाँ बैठकर स्कूल का होमवर्क करेंगे। तो चलिए इसकी अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बजरंगी के मूछें। उस्ताद, तुम्हारे मूछें ऊपर की तरफ क्यों रहती है? वे मेरी मूछों की तरह नीचे की तरफ क्यों नहीं रहती? ढक्कन, ये इसलिए कि मैंने सारी कुश्तियाँ जीती है, आज तक किसी ने मुझे हराया नहीं। ये मूछें मेरी आन है, इसलिए ये हमेशा ऊँची रहेंगी। किसी की हिम्मत है जो आगे आए और मेरी मूछें नीची करके दिखाए। देखा, कोई नहीं आया, सब मुझसे डरते हैं। कुछ दूरी पर बाढ़ को पानी दिए बहुत दिन हो गए हैं। आहा, हवाई जहाज। फर्र, बजरंगी तुम्हारी मूछें नीची हो गई हैं। चूहे, तूने मेरी शान में गुस्ताखी की, मैं तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बना दूंगा। बजरंगी, अनदेखे में ये हो गया है, मैं दुनिया को बताना है, मैंने दुनिया को बताना है कि जो मेरी मूछें नीची करता है उसका क्या हाल होता है। हम दोनों के बीच फासला कम होता जा रहा है। आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया, पीटने के लिए तैयार हो जाओ। पहलवान, मेरी एक बात सुनो। बोलो।
कानों सुनी बातें झूठी और आंखों देखी सच्ची होती है। तुम पानी में प्रतिबिंब देख लो, तुम्हारी मूछें नीची हैं या नहीं। तुम ठीक कहते हो। ओह, मेरा पैर फिसला, भागो। तो चलिए इसके अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कर्नल 3 नॉट 3। हेलो जोजी, मैं बिल्लू बोल रहा हूँ। क्या तुम्हारे पिताजी घर पर हैं? मैं उनके साथ फोटो खिंचाना चाहता हूँ। हाँ, वो घर पर हैं, आ जाओ। पापा, बिल्लू तुम्हारे साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहता है। उसे कह दो मैं घर पर नहीं हूँ, मगर मैंने उसे आने के लिए कह दिया है। मैं उस शरारती लड़के के साथ फ़ोटो खिंचवाना नहीं चाहता। दिल करता है कि मैं उसे गोली मार दूँ। बिल्लू ने आपके साथ कौन सी शरारत की? एक हफ्ता पहले उसने मेरे साथ गुस्ताखी की थी। बिल्लू, पटाखा खतरनाक है, इसे दूर फेंको। लो, फेंक दिया। कड़म। ओह, कर्नल 3 नॉट 3, अनजाने में गलती हो गई। पापा, आपने जंग में बमों और टैंकों का सामना किया है, फिर एक मामूली पटाखे पर क्या गुस्सा करना? मुझे कोई ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए कि जोजी नाराज ना हो और फोटो भी ना खिंचवानी पड़े। मैं सारे कपड़े उतार कर कच्चा बनियान पहन लेता हूँ। ऐसे घटिया लिबास में मेरे साथ कौन फोटो खिंचवाना चाहेगा? वाह, बिल्लू को ऐसे इनफॉर्मल ड्रेस में आपके साथ फोटो खिंचवाना और भी अच्छा लगेगा। वो ऐसे कपड़े पसंद करता है। मर गए। कोई दूसरी तरकीब सोचनी चाहिए। आइडिया, जब बिल्लू मेरे साथ खड़ा होकर फोटो खिंचवाएगा तो किसी तीसरे को कैमरा क्लिक करने के लिए होना चाहिए। घर में सिर्फ जोजी है जो ये काम कर सकती है। जोजी, मैं मेहंदी लगाने का आर्ट सीख कर आया हूँ। वाह पापा, मुझे हाथों पर मेहंदी लगवाना अच्छा लगता है। देखना कितना खूबसूरत डिजाइन बनाता हूँ। मेहंदी सुंदर लगी है। अब शाम तक हाथों से कुछ ना पकड़ना। मैं आ गया हूँ कर्नल साहब, आपने मेरी पसंद का लिबास पहना है, मुझे आपके साथ फोटो खिंचवाना अच्छा लगेगा। बिल्लू, एक समस्या है, जब हम दोनों साथ खड़े रहेंगे तो कैमरा क्लिक कौन करेगा? जोजी ने हाथों पर मेहंदी लगाई है, वो कैमरा नहीं पकड़ सकती, इसलिए आज फोटो खिंचवाना स्थगित कर दो। फोटो आज ही खींचेगा, ये कैमरा ऑटोमेटिक है, अपने आप फोटो खींचता है। क्लिक। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चिट्ठी। भूल गाँव कर परिवार को चिट्ठी लिख दूँ? बिल्लू, खिसक मत जाना, तुमने ये चिट्ठी लेटर बॉक्स में डालने जाना है। लिफाफे पर पता लिख दिया है। किसको चिट्ठी लिखी है? मूलगांवकर परिवार को, उसे लेटर बॉक्स में डालने बिल्लू जा रहा है। तुमने चिट्ठी किस पते पर भेजी है? वही पता जो बरसों से लिखते आ रहे हैं, 318 बांद्रा रोड बम्बई। उसका पता बदल गया है, श्री मूलगांवकर की चिट्ठी आई थी और उनका परिवार 245 मैरिन ड्राइव बम्बई में शिफ्ट हो गया है। तब तो उनको ये चिट्ठी नहीं मिलेगी। बिल्लू अभी रास्ते में होगा, जाओ इससे पहले कि वो चिट्ठी लेटर बॉक्स में चली जाए उस पर पता ठीक कर दो। मुझे जल्दी जाना चाहिए। बिल्लू दिखाई नहीं दे रहा है। गब्दू, तुमने बिल्लू को कहीं देखा है? हाँ अंकल जी, उसे मैंने लेटर बॉक्स के पास देखा था। उफ, मुझे तेज दौड़ना चाहिए। वो रहा वो, शायद वो चिट्ठी डाल चुका है और लौट रहा है। बेटा, शुक्र है चिट्ठी तुम्हारे हाथ में है, भूल से उस पर पता गलत लिख गया है। मगर तुमने इसे बिना लेटर बॉक्स में डाले क्यों लौट रहे थे? मैंने देखा कि आप लिफाफे पर डाक टिकट लगाना भी भूल गए हैं। तो इसी के साथ बिल्लू की ये शानदार कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।